अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 103 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहसन जफ़र कराची पाकिस्तान से, और आज मैं आपको एक आर्टिकल पढ़कर सुना रहा हूँ जो कि कॉकटेल की ब्रीडिंग के हवाले से लिखा गया, और ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा कॉकटेल की ब्रीडिंग में, कॉकटेल को समझने में। ये पूरी सीरीज़ में चला रहा हूँ ताकि कॉकटेल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन A to Z आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। अब ये सीरीज़ किस तरह से होगी, ये वीडियोज़ होंगी, हो सकता है मे बी के तीन से लेके पाँच तक वीडियोज़ हों, तीन पाँच छः वीडियोज़ हों जो पूरी सीरीज़ वाइज चलेंगी, और इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको कॉकटेल के बारे में कम्प्लीटली समझा दूंगा, और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बेस पर नहीं समझाऊंगा, अपने एक्सपीरियंस में ऑलरेडी आपसे बहुत शेयर कर चुका हूं। अब बात करेंगे कुछ लिखत पढ़त की, यानी कि लिखा हुआ क्या है कॉकटेल के बारे में, क्योंकि भाई लिखा हुआ ऐसे तो नहीं लिखा हुआ ना, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारे काम आ सकती हैं, हमें नहीं पता होंगी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है कॉकटेल्स के ऊपर, इनकी ब्रीडिंग के हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी, आप समझ रहे हैं इस बात को, तो ये आपके लिए भी कितना अच्छा साबित हो सकता है। अब मैं इस पूरे आर्टिकल को पढ़ूंगा, वैसे तो खैर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेट करूंगा, यानी साथ साथ ही, उसके बाद नहीं, साथ साथ ही आपको पूरी एक लाइन बताऊंगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कॉकटेल की ब्रीडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। कॉकटेल की ब्रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो सबसे पहली हेडिंग इनके पास डली हुई है, फाइंडिंग द राइट पेयर। फाइंडिंग द राइट पेयर का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी से कॉकटेल ख़रीदते हैं, जैसे कि कोई आपको कह रहा है कि यार ये पट्टे हैं मेरे पास, लेकिन पेयर है, जेंडर कंफर्म है, तो अब उनकी एज में, लेट सपोज़ आपको कोई बंदा जो है 7 महीने का मेल दे रहा है और 3 महीने की फ़ीमेल दे रहा है, और आपको कह रहा है कि ये पट्टे हैं, पट्टे तो ये दोनों हैं, वो सही कह रहा है कि ये पट्टे हैं, बट 7 महीने का जो मेल है वो जल्दी हीट पर आ जाएगा, जल्दी तैयार हो जाएगा, और 3 महीने की उसके साथ जो आप फ़ीमेल ले रहे हैं वो ज़ाहिर है वो तो बहुत टाइम लेगी। अब मसला ये आता है कि मेल जब हीट पर आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि हम क्रॉस करें। अब फीमेल तो टाइम ले रही है क्योंकि वो आपने छोटी ली थी एज डिफरेंस के हिसाब से, अब वो फीमेल जो है वो जाहिर है टाइम लेगी, तो मेल से सब्र नहीं होता, वो मारते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। यही वो वजह होती हैं, यही वो मसले होते हैं जिनकी वजह से ब्रीडिंग नहीं आ पा रही होती। हमेशा याद रखें, इसने लिखा हुआ यहाँ पे फाइंडिंग द राइट पेयर इफ़ यू वांट टू ब्रीड कॉकटेल फर्स्ट। अगर आप कॉकटेल को ब्रीड करवाना चाहते हैं, यू मस्ट हैव टू फाइंड द राइट पेयर। अब राइट पेयर क्या होता है, ज़रूरी नहीं है पेयर ख़राब हो, ज़रूरी नहीं है कि पेयर बीमार हो, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें चेक करने की होती हैं कि उस दोनों पेयर की जो दोनों पीसीज हैं, दोनों जो पीसीज हैं, पार्टनर्स हैं, उनकी आपस की एज में कोई डिफरेंस तो नहीं है, यानी उनके बीच की एज का भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी इस बात को, यही वो वजह है मैं आपसे कहता था ना कि आप कलर के पीछे मत भागा करें, जिसकी जो एज मैच कर रही है, एज अभी ब्रीड पर आ रहे हैं वो आप लेके ब्रीड करवा लें। अगर आप अपनी पसंद की चीज़ें ढूंढते रहेंगे ना, जैसे मेरे पास एक इनोपाइड का मेल है, मैं चाह रहा हूँ सेम इसी तरह की फ़ीमेल मिल जाए, अब उसी तरह की फ़ीमेल आपको उसी एज में नहीं मिल रही होगी, हो सकता है वो पट्टी मिल रही हो आपको, तो आप क्यों परिंदे के साथ यार इतना उसका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपना भी टाइम आप ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पसंद की चीज़ कहीं से मिल जाती है, रेडी टू ब्रीड मिल जाती है, दोनों की एज भी सेम मिल जाती है, तो अच्छी बात है, वो आप ले लें। अच्छा, पहले मैंने आपको समझा दिया, पहली हेडिंग है फाइंडिंग द राइट पेयर, के जो आप पेयर ले रहे हैं उन दोनों पार्टनर्स की एज में, आपस की जो एज है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। अब चलते हैं आगे। अभी अंग्रेज़ कह रहा है कि इसके बाद अब आपने ये देखना है कि कॉकटेल की ब्रीडिंग एज क्या कहलाती है, यानी कॉकटेल को किस उम्र में ब्रीड करवाना चाहिए। देखें, मैं आपको पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं, फिर मैं इस बंदे ने जो लिखा है वो बताऊंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। देखिए, हमारे यहाँ एशिया है, एशियन कंट्री है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, दुबई, ये एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मुझे जिन कंट्रीज़ में मेरी वीडियो देखी जाती है ना, उसमें सऊदी अरेबिया तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर इंडिया है, मैं इंडिया में वायरल हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी कॉकटेल पर, तो मैं पाकिस्तान में, मुझे कोई नहीं देखता था, मैं इंडिया में वायरल हुआ था, इंडिया में वायरल हुआ, उसके बाद काफ़ी मेरा चैनल बढ़ गया, तो अब जाके मुझे पाकिस्तानी लोग भी देखने लग गए हैं, जबकि मेरा अपना ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तीसरे नंबर पे जो कंट्री जो मुझे देखता है वो है सऊदी अरेबिया, ठीक हो गया जी, सऊदी अरेबिया देखता है। तो अब मैं सबको बता रहा हूँ इस हवाले से जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, अब आपको मैं समझाऊंगा कि मैं किस लिए आपको ये बातें बता रहा था। अब ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, दुबई, ये सब कंट्रीज़ क्या हैं, ये एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जो गर्म इलाके होते हैं ना, याद रखना मेरे भाई, वहाँ पे एजिंग प्रोसेस डबल हो जाता है, यानी कि वहाँ पे बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, वक्त से पहले उनको जो है ना उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, गर्म कंट्रीज़ हैं, गर्म कंट्रीज़ में ये होता है कि सनलाइट ज़ाहिर है कि आपका जो बॉडी की जो ग्रोथ है वो बढ़ा देती है, ठीक है।
अब हमारे यहाँ क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे पास परिंदा साथ, मेरे पास अगर कॉकटेल्स हैं ना वो 5 महीने के अगर हो गए हैं या 4.5 महीने के भी हो गए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये विस्लिंग करना शुरू कर देते हैं। इनमें से जो मेल होते हैं ना वो विस्लिंग करना शुरू कर देते हैं, तो विस्लिंग करना शुरू कर देते हैं और 6 महीने तक ये इतने ज़्यादा विस्लिंग करने लग जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और विस्लिंग का मतलब ये होता है कि आपका मेल अब हीट पे आ रहा है, आ चुका है, और जब वो तेज़ विस्लिंग करता रहे पूरा पूरा दिन तो समझ जाएं कि वो बिल्कुल ख़तरनाक वाली हीट पर है और अब इसको ब्रीड करवाना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास क्या होता है, 6 महीने में ये काम शुरू हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ कि हार्डली टू हार्डली 8 महीने के कॉकटेल्स ब्रीड पर लगा देता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास तैयार हो जाते हैं, यानी मेरे पास वो हीट पर आ जाते हैं। फीमेल मेरी हीट पर है, मेल मेरा हीट पर है, ठीक है, 8 महीने के हैं, तो अब मैं इंतज़ार तो नहीं कर सकता ना, मैं फिर जाहिर है वो ख़राब हो जाएंगे अगर मैं ज़्यादा उनको रोकूंगा, तो फिर मैं लगा देता हूँ और फिर वो ब्रीड भी कर देते हैं, मेरे पास ब्रीड भी आ रही है, ठीक है। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है ये मेरी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ क्या है, इस अंग्रेज़ ने लिखा क्या है कि हमें असूलन करना क्या चाहिए। ये कह रहा है कि अगर आप ब्रीड करवाना चाहते हैं तो अपने परिंदों को 18 महीने का होने दें, ये कह रहा है। अब ये बंदा ये बात क्यों लिख रहा है मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है कि कॉकटेल में 18 महीने तक इनकी बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है और इनकी बॉडी में डिफरेंट मल्टीविटामिन्स डिपॉजिट होते हैं। असल चीज़ होती है कैल्शियम, जिसकी बेस पे ये ब्रीडिंग करते हैं वो होता है कैल्शियम। फीमेल के अंदर अगर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाएगा तो वो आगे जाके कच्चे अंडे देगी, ख़राब अंडे देगी, बच्चे नहीं निकलेंगे, फर्टिलिटी के इशू भी आ सकते हैं, मेल में भी फर्टिलिटी का इशू आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें वो कह रहे हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम इनको 18 महीने तक एक बड़ी अवेरी में छोड़ देते हैं, यानी ये अपने जितने भी पट्टे हैं ना ये बड़ी अवेरी में सारे छोड़ देते हैं और उनकी एज नोट कर लेते हैं अपने पास 18 महीने, उनके पैरों में रिंग डाल देते हैं, उस रिंग पर उनकी पैदाइश, उनका टाइम, हर चीज़ मेंशन होती है। ये अंग्रेज़ करते हैं, मैं अंग्रेज़ों की बातें बता रहा हूँ। इनके पास पैरों में रिंग होते हैं कॉकटेल के, जिस पर हर चीज़ मेंशन होती है, ये अवेरी में छोड़ देते हैं और 18 महीने तक वेट करते हैं ताकि हमारा परिंदा ठीक से ग्रो कर ले, इसकी बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए, विटामिंस इसके पूरे हो जाएं, इसकी बॉडी का जो साइज़ रिक्वायरमेंट है, जो इसकी बॉडी का फिजिकल साइज़ जो है वो इसका प्रॉपर बन जाए 18 महीने तक, फिर हम इससे ब्रीड लेंगे, ये कह रहा है अंग्रेज़। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ क्या ये गलत कह रहा है। नहीं, ये गलत नहीं कह रहा, ये सही तो कह रहा है, लेकिन ये अपनी जगह के हिसाब से कह रहा है। अब अंग्रेज़ कहाँ रहते हैं मुझे बताएं, पाकिस्तान में अंग्रेज़ हैं? कितने अंग्रेज़ हैं? पाकिस्तान में है ही नहीं। इंडिया में कितने अंग्रेज़ रहते हैं? यहाँ रहते ही नहीं, और अगर रहते भी होंगे तो वो कॉकटेल से ब्रीड करवाने थोड़ी इंडिया में रहते होंगे। तो याद रखें, ये जो जितनी भी नॉलेज होती है ना, ये सारी की सारी या तो इंग्लैंड से आती है या फिर जर्मनी से या यूरोप वाली साइड से या फिर ये ऑस्ट्रेलिया से, इस तरह की जगहों से आती है। ऑस्ट्रेलिया तो खैर हमारे टेम्परेचर से मैच करता है, लेकिन ये जिस बंदे ने लिखी है ना, ये बंदा किसी ठंडे इलाके का है और यूरोपियन कंट्री का बंदा है जिस बंदे ने लिखी है। नो डाउट इसको नॉलेज बहुत है, ये बहुत आगे की चीज़ है, ये आदमी बिल्कुल सही लिख रहा है ये। अब जो ठंडे इलाके हैं ना, यूरोप में बर्फ़ पड़ती है, गर्मी तो होती नहीं है वहाँ। गर्मियों में मैं आपको बताऊँ, -1 चल रहा होता है, ये उनकी गर्मी होती है, और सर्दियों में -17 पे पहुँच जाता है यूरोप में, -17 या -5 या -10, ये सर्दियों में पहुँच जाता है उनके, और उनकी गर्मियों में क्या होता है, -1 को वो गर्मी कहते हैं। तो ऐसे इलाके जो ठंडे होते हैं ना, वहाँ पे कॉकटेल की फ़िज़िकल एक्टिविटी भाई कम हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्दियों में कॉकटेल की फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि ये परिंदा है गर्मियों में गर्मी पसंद करने वाला परिंदा है, इसको ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती कॉकटेल को, ये ख़राब हो जाते हैं। अब ये आदमी जो है, ये ज़ाहिर है कि ये रहता ही ठंडे इलाके में, बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे कॉकटेल की फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से, कॉकटेल की हिलन डुलन कम होने की वजह से कॉकटेल देर से बड़ा होता है। कॉकटेल देर से बड़ा होता है, अब समझ में आई आपको कि इसने 18 महीने क्यों लिखा हुआ है? ये बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि कॉकटेल की फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत हाई होती है, कॉकटेल कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, गर्मी पड़ रही है, पानी पिए जा रहा है बार बार, उसकी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत हाई होती है यहाँ पे। तो इसी तरह उसकी बॉडी बिहेव कर रही होती है, इसी तरह उसकी बॉडी जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट कर रही होती है। अब चीज़ों को अडॉप्ट कैसे कर रही होती है, जो कैल्शियम उसने 4 महीने में डिपॉजिट करना था वो 1 महीने में डिपॉजिट हो रहा होता है, तो जो जो चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट करती है वो तेज़ी से होने लग जाती हैं। ये एशियन कंट्रीज़ की आप खासियत कह लें या जो भी इसको समझना चाहें वो आप समझ लें, इसीलिए एशिया में कॉकटेल जल्दी मेच्योर हो जाता है, वक्त से पहले हीट पर आ जाता है, ठीक है। मैंने तो भाई अपने 4-4.5 महीने के पट्ठों को क्रॉस करते हुए देखा है, मैं आपको लिटरली आई एम टेलिंग यू। और इसी तरह की बात आपने भी कभी अपनी किसी ना किसी पेयर के साथ या किसी पट्ठों में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी नोट की होंगी और आप मेरी बात से एग्री करेंगे। तो ये बात मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया, अभी हम मज़ीद इसको आगे पढ़ेंगे पूरे आर्टिकल को, और आप यकीन करें इतने मज़े का ये आर्टिकल है, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना इसमें, मैंने इतना कुछ सीखा है,
ठीक है, आप लोग समझते हैं जैसे मुझे हर चीज़ मालूम है, तो आप सोचें कि मुझे इतनी नई इन्फॉर्मेशन मिली है इस आर्टिकल में से, तो आप लोगों के लिए कितना अच्छा रहेगा ये। इसको आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करता रहूँगा मैं आपके साथ। अच्छा, दूसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं। इसमें लिखा हुआ है योर मेल एंड फीमेल कॉकटेल शुड बी एटलीस्ट 18 मंथ्स ओल्ड। यंगर फीमेल्स में एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स लाइक एग बाइंडिंग। यंगर बर्ड्स ऑल्सो मे नॉट टेक गुड केयर ऑफ देयर बेबीज। इसका मतलब क्या है, ये लाइन मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यंगर फीमेल्स में एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स लाइक एग बाइंडिंग, यानी कि ये कह रहा है अगर आप छोटी फीमेल्स लेते हैं और वो क्रॉस कर लेती हैं, सेट हो जाती हैं, वक्त से पहले ब्रीड कर देती हैं, तो आपके पास एग बाइंडिंग का मसला आ सकता है। अब एग बाइंडिंग होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ एग बाइंडिंग क्या होता है। एग बाइंडिंग ये होता है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, अब वो अंडा देने वाली है, ठीक है, वो एग कैरी कर रही है, लेकिन उसकी उम्र कम है। अब अगर उसकी एज कम है, ज़ाहिर है उसमें इतने ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हुए होंगे, तो जब वो अपना एग ले करेगी, अंडा देते वक्त हो सकता है कि मे बी कि वो थक जाए, वो बर्दाश्त ना कर पाए, तकलीफ़ ना बर्दाश्त कर पाए, तो वो अंडे को पुश नहीं कर पाती, बाहर नहीं निकाल पाएगी, ठीक है। अब मैं आपको इसी तरह मैं आप कंपेयर करवाता हूँ। आपने देखा है सीज़र ऑपरेशंस होते हैं जो हमारे ह्यूमंस में, औरतों में जो डिलीवरी केसेस होते हैं उसमें इमरजेंसी के जो बड़े ऑपरेशन होते हैं सीज़र ऑपरेशन, वो इसीलिए होते हैं कि अगर कोई फीमेल बच्चे की पैदाइश के दौरान थक जाती है और उसका बेबी जो है वो ठीक से बॉन्ड नहीं हो पा रहा होता, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि अब इसकी जान को ख़तरा है, औरत की जान को, तो हमें मजबूरन इसका पेट काट कर, यानी कि सीज़र ऑपरेशन करके, जिसको मेजर ऑपरेशन कहा जाता है, वो करके हमें इसका बच्चा बेबी बाहर निकालना पड़ेगा, वरना इसकी भी जान को ख़तरा है और इसके बेबी की भी जान को ख़तरा है, यानी हम ज़्यादा देर डिले नहीं कर सकते। इसी तरह कॉकटेल में फ़ीमेल अगर जैसे छोटी है, आपने कम उम्र फ़ीमेल लगा दी है, तो उसमें एग बाइंडिंग का इशू आ सकता है। ये अपनी बात को वाजे कर रहा है कि 18 महीने का, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप 18 महीने का इसलिए लिया करें ताकि फ़ीमेल में एग बाइंडिंग का मसला ना आए। अब एग बाइंडिंग का जब मसला आता है ना, तो उसके दो तरीके हैं। देखिए, मेरे पास एक ऑस्ट्रेलियन था, एक बजी था, उसकी फ़ीमेल को एग बाइंडिंग का इशू था, तो मैंने वो अंडा हाथ से निकाला। बाकायदा तौर पे हाथ से निकालने का मुराद ये होता है कि हम लोग जो है ना, जस्ट वहाँ पे जो एग वाली जगह होती है ना, वहाँ पे फिंगर हल्के हल्के आराम आराम से फेरते हैं और वो एग पुश हो जाता है, यानी कि हम हेल्प करते हैं, हेल्प आउट करते हैं अगर किसी फ़ीमेल को एग बाइंडिंग का इशू आ जाए। लेकिन याद रखें, जिस फीमेल को एग बाइंडिंग का इशू आ रहा है, वो आप सेल कर दें, फिर वो अब आपके काम की नहीं रही, वो कमज़ोर हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सीरीज़ वाइज बताता रहूँगा। आई होप कि आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आएगी, आपके काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, ये सीरीज़ इसी तरह बनती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।